हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेड मेंटर। टुडे वी आर हेयर विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नीट पीजी 2024। जस्ट बिकॉज काउंसलिंग हैज बीन स्टार्टेड एंड द पैनिक कंडीशन एंड पैनिक सिचुएशन इज ऑल अराउंड, सो आई जस्ट वॉन्ट टू एड सम इनसाइट्स एंड सम रियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द काउंसलिंग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके पास डेट्स तो आ ही गई हैं, 8 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। फ्रॉम 8th ऑफ नवंबर टू 17th ऑफ नवंबर आपको चॉइस फिलिंग के लिए बोला गया है। लेकिन चॉइस फिलिंग से पहले एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है सीट मैट्रिक्स, क्योंकि बिना सीट मैट्रिक्स से आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। तो सीट मैट्रिक्स हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 6 या 7 तारीख तक आ जाएगा हमारे पास। और उस सीट मैट्रिक्स को कैसे एनालाइज करना है, उसके लिए पूरा डेडिकेटेड डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, प्रोमेड मेंटर। आप नीचे दिए गए नंबरों पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं और मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेन गेम कहाँ होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी। अब मेन गेम कहाँ होने वाला है कि 17th ऑफ नवंबर को 4 बजे चॉइस लॉकिंग शुरू होगी और वो 11:55 रात के, तब तक चॉइस लॉकिंग चलेगी। तो आप चॉइस फिलिंग में तो कुछ भी डाल दीजिए रेंडम ऑर्डर, लेकिन जब चॉइस लॉक करने बैठोगे तो आपके उस चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज जरूर होने चाहिए जो आपको आपकी रैंक तक मिल सकते हैं। इफ़ यू आर स्टिल इन डाउट रिगार्डिंग योर ब्रांच, रिगार्डिंग योर कॉलेज, देन प्लीज कन्फर्म विद अस। अगर आप अभी भी डाउट में हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच आपके लिए सही रहेगी, तो ये समय सबसे बेस्ट है आपको क्लियर करने के लिए कि किस ब्रांच के लिए आप बने हुए हैं और कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, लेनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखा गया है कि कुछ सीट्स का जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन कोटा होता है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ शिफ्ट। अब वो पॉजिटिव शिफ्ट होगा, नेगेटिव शिफ्ट होगा, कितना होगा वो हम आगे काउंसलिंग में देखेंगे। और ये काउंसलिंग राउंड वाइज होती है और हर राउंड के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी लगती है हमारी, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लगती है उस राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो आप सभी से मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हर राउंड को बहुत सीरियसली लें और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड का फ्री एग्जिट है तो कुछ भी डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी रैंक पे मिल सकता है और जो आपके लिए बेस्ट है वही चॉइस डालनी है। और इसके अलावा आप ब्लाइंड नहीं खेल सकते, क्योंकि ब्लाइंड खेलने में आपको एक लॉस होगा, वो होगा आपके एनर्जी, आपका टाइम। अब हम आगे बात करते हैं स्टेट की। कौन सी स्टेट अभी तक क्लोज हो गई है, मैं बात कर रहा हूँ 4 तारीख 4th ऑफ नवंबर 12 बजे की। 12 बजे तक कौन कौन सी स्टेट क्लोज हो चुकी है और किस स्टेट में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो यूपी विच इज़ अ ओपन स्टेट बट द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज नाउ। 11 बजे आज सुबह रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं यूपी के। उड़ीसा, एमपी की 3 तारीख को क्लोज हो गए थे, राजस्थान के हो गए थे 2 तारीख को। केरला के अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू हैं तो वो 6 तारीख को क्लोज हो जाएंगे, 6th ऑफ नवंबर को 11:59 रात में। मैंने हरदम बोला है कि हर वीडियो में और हर जो भी नोटिस आ रहा है आपके पास उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेम डेट पर पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है स्टेट में भी, एमसीसी की साइड पे भी। तो टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ मार करके रखिएगा। देन हम बात करते हैं, कभी अभी तक कुछ स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन चालू ही नहीं हुए हैं, जिसमें से आज बिहार का नोटिफिकेशन आया है। बिहार के रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो रहे हैं और वो चलेंगे अपना 8th ऑफ नवंबर तक रात के 10 बजे तक। तो प्लीज़ मार्क द डेट एज वेल एज द टाइम। छत्तीसगढ़, आसाम, वेस्ट बंगाल का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, होपफुली जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। एमसीसी ने जो मीटिंग की थी उसमें सारे स्टेट्स के ऑफिशियल्स को बुलाया था रिगार्डिंग द काउंसलिंग एंड द इन सर्विस कैंडिडेट्स का जो इशू चल रहा था, उसमें उनको बोला गया था सारी स्टेट्स को कि आप 5 तारीख तक एनी हाउ आप अपने रजिस्ट्रेशन भेज दीजिए, जिससे वो अपनी मेरिट लिस्ट बनाकर अपलोड कर सके स्टेट्स को। लेकिन कुछ स्टेट्स ने जस्ट बिकॉज ऑफ द दीपावली वैकेशन उन्होंने अभी तक काउंसलिंग शुरू ही नहीं की है और रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं हुए हैं कुछ स्टेट्स के, जिनका मैंने आपको नाम बताया। अब आगे चलते हैं। कुछ डाउट मेरे पास आए स्टूडेंट्स के कि अभी उनके पास EWS सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने डाल दिया लेकिन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, आप तभी कैटेगरी डालें जब आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है। और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो कैसे पता चलेगा कि वो वैलिड है, आप गिवन नंबर पे इंफॉर्मेशन अपना शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि सर क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड है एमसीसी में और स्टेट्स में। स्टेट्स का डिफरेंट स्टेट, यूपी, बिहार, राजस्थान, इनका अलग अलग प्रोटोकॉल होता है और ऑल इंडिया का अलग प्रोटोकॉल होता है। तो प्लीज़ ये कंफर्म कर लें
क्योंकि इस बार काफी स्ट्रिक्ट होने वाला है। अगर आपने कोई भी कैटेगरी अपने लिखी है नाम के सामने, तो आपको वहां पे वेरीफाई कराना पड़ेगा, स्क्रूटनी होगी उस सर्टिफिकेट के लिए भी आपकी। तो प्लीज एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे करियर को खराब कर सकती है, तो प्लीज इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ स्टेट्स रीओपन हुए हैं, जैसे कि कर्नाटका, वो अभी फिर से ओपन, उनका नोटिफिकेशन आया, वो सिर्फ एक ही दिन के लिए ओपन हुआ है, तो कल यानी कि 5 तारीख को उनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। और जो ओपन स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आप कहीं की भी आपने MBBS की हो, कहीं का भी आपका डोमिसाइल हो, लेकिन आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लाइक उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इसमें लोगों ने भर भर के रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्टूडेंट को एक ही सीट मिलेगी, या तो वो ऑल इंडिया की सीट लेगा या वो स्टेट की लेगा, लेकिन काउंसलिंग सारी में काउंट होगा। तो जैसा हमने देखा था लास्ट ईयर, जो हमारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कि जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट में, राजस्थान स्टेट में फर्स्ट काउंसलिंग में स्टेट रैंक 141, 141 स्टेट रैंक, और ऑल इंडिया रैंक 1242, 1242 रैंक पे क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में। वो हो सकता है इस साल पीछे हो, क्योंकि वो सेम कैंडिडेट डिफरेंट स्टेट में एनरोल्ड है, और इस बार कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप ये देखिएगा, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक आते आते वो फिल्टर आउट हो जाएगा, मतलब उसको जहाँ कॉलेज लेना है वो ले लेगा, और बाकी जो स्टेट है वो स्टेट में जो उसकी रैंक आई है, तो वो शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग होने की वजह से रैंक पीछे जाएगी। मैं फर्स्ट काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग का डेटा शो कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल ओनली। ऐसे हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में आप देखेंगे कि राजस्थान में पर्टिकुलरली मेडिसिन की सीट गई थी 14,304 ऑल इंडिया रैंक, और स्टेट रैंक 818। तो हो सकता है आपकी स्टेट रैंक थोड़ी पीछे आए, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एनरोल कराया है। और यूपी में, यूपी एक यूपी इज ऑल्सो अ ओपन स्टेट, तो यूपी में स्टेट रैंक 711 तक गई थी और एससी कैटेगरी मेडिसिन की सीट, लेकिन इस साल हो सकता है वो चीज़ 900 पे या फिर 1100 तक चली जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने एनरोल कराया है। तो डोंट वरी अबाउट योर फिगर, अबाउट द रैंक, जस्ट बी अश्योर कि आपने किस किस स्टेट में एनरोल कराया और कहाँ कहाँ आप करा सकते हैं। तो जो स्टेट ओपन है, आपको अभी इस चीज़ का लिबर्टी है कि आप वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपको इससे जुड़ी, काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे प्रो मेड मेंटर को फॉलो करें, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल हमारा, जहाँ पे आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एक गुड न्यूज़ जो मैंने लास्ट आखिरी के लिए बचा के रखी थी, हमारी प्रोमेड मेंटर की टीम, जिसमें सारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक जूम कॉल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पैनिक बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, और इस कंडीशन में हम हर एक क्वेरी का आंसर पर्टिकुलरली नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर ऑल्सो वर्किंग रेजिडेंट्स। सो वी ऑल हैव डिसाइडेड कि आप लोगों के लिए एक जूम कॉल करें, और उस जूम कॉल में आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेरी हो, आप किसी भी स्टेट से आते हो, आप कोई भी ब्रांच आते हो, हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स भी आपको गिवन नंबर पे, जो आप अगर व्हाट्सएप पे हाय लिख के मैसेज करेंगे, तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक आ जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली गूगल फॉर्म को फिल करते हुए हमारे साथ बात कर सकते हैं और जूम मीटिंग में आ सकते हैं। इस जूम मीटिंग की भी अपडेट आपको व्हाट्सएप पे ही आ जाएगी, तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, ये जूम मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू हेल्प अदर डॉक्टर्स। सो आर मोटिव डॉक्टर्स एम्पावरिंग अदर डॉक्टर्स। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, एंड प्लीज डोंट पैनिक, वी ऑल आर विद यू।